आज बराम शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं इमरान अली कादरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सईदा सुल्ताना। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो मौत के बाद जो हमारी करंट और जो फ्यूचर की बातें होती हैं उनके हवाले से मैं आपको इस्लाम के हवाले से कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए हम किसी और का नाम नहीं लेते, मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ। देखिए जे मेरा नाम इमरान अली है, ठीक है, कास्ट कादरी है। उसके बाद जब मेरा जैसे ही मेरी वफात हो जाएगी, जिस दिन मेरे सांस निकल जाएगी, अब यहाँ पे देखते जाए मैं जो बयान कर रहा हूँ उसका आप मफहम और थीम आपको समझ आना चाहिए, ये मेरा मकसद है। तो जैसे मेरा इंतकाल होगा तो इंतकाल के फौरन बाद पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारी शोहरत हो, हमारा कहीं ना कहीं पे कोई नाम हो, मुआशरे में कोई नाम हो, कोई चेयरमैन सीट की सीट मिल जाए, कोई टूर्नामेंट, इवन इतने कदर हम कहते हैं कि हमारा नाम कहीं पे हो जाए, हम मशहूर हो जाएं। ये हमारा अक्सर हर कोई बंदा चाहता है कि हमारा कोई नाम हो, ये हो, ठीक है। तो जब सांस हमारी निकल जाती है, अब ये मिसाल बहुत बड़ा दे रहा हूँ आपको, जैसे सांस टूटी तो जो भी आएगा बंदा वो कहेगा कि मैयत को गुस्ल दे दिया। अब क्या कहेगा, मैयत, मेरा नाम इमरान ख़त्म हो गया, अब मैयत को गुस्ल दे दिया। मैयत के कब उठाएंगे, जनाजा का नमाज कब होगी। देखिए मेरा नाम ख़त्म हो गया वो दुनिया वाला, जैसे ही मेरी सांस टूटी ये शोहरत ये जो भी कुछ है वो दुनिया में यहाँ पे दफन हो गया। और जो मुर्दा होता है ना, जो मुर्दा वो सुनता है ये कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग, वो चीखता है पुकारता है कि मेरा नाम क्यों नहीं ले, कोई नहीं सुनता उसकी, कोई भी नहीं सुनता। कयामत के दिन की तैयारी करें, ये नाम शोहरत ये दिखावा सब कुछ इधर पड़ा रहेगा। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है, सांस निकलते ही आपकी पहचान ख़त्म हो जाती है। जैसे ही सांस निकली सब कुछ ख़त्म। और जहन्नम में जो लोग जाते हैं वो सबसे ज़्यादा किस लिए जाते हैं, आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे असहाबी बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्म में लोग सबसे ज़्यादा इसलिए नहीं जाएंगे कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते, वो हज नहीं करते, वो ज़कात नहीं देते, वो जो है खैर खैरात नहीं करते, सदका नहीं देते। तो सारे असहाबी हक्का बक्का रह गए कि सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें जन्म में लेके जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ बिन जबल को ये ज़बान को पकड़ कर ऐसे ज़बान को पकड़ के कहा कि ये वो चीज़ है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे, ये ज़बान, इसको संभाल कर रखो, इसके इसको इसकी वजह से जो है ना, ज़बान की वजह से ये सब कुछ चला जाता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए सांस टूटने के बाद पता नहीं चलता आपका नाम ख़त्म हो गया, तो क्यों ना हम ऐसे काम करें, इस नाम को छोड़ दें, हम इसके शोहरत को छोड़ दें, जो हमारे नसीब में है अल्लाह ने वादा किया है वो हमें मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती, बस शर्त यह है कि हमारे दिल से जो है माल की जो मोहब्बत है वो निकल जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना दोस्तों पड़ोसों सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।